आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर गोंडा जनपद से है, जहां राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन गोंडा संगठन कार्यालय पर की गई बैठक, जिले स्तर के जूनियर इंजीनियर्स रहे बैठक में शामिल। वहीं प्रदेश संगठन से आए केंद्रीय अध्यक्ष ईजीपी पटेल व केंद्रीय वित्त सचिव चंद्रशेखर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय टोली जनपद के 2 उपकेंद्र पर गहन निरीक्षण किया। केंद्रीय टोली ने उपकेंद्रों पर लाइन मेंटेनेंस के आवश्यक न्यूनतम संसाधन व सामग्री की कमी पाई। बैठक में इंजीनियर जीवी पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आप लोग उपभोक्ताओं से व्यवसायिक संबंध स्थापित करने के लिए टिप्स देते हुए उनसे मधुर संबंध स्थापित करते हुए उपभोक्ताओं देवी विभाग के दर्ज पर उपभोक्ता के समस्याओं को प्राथमिकता पर समाधान करने हेतु प्रेरित किया। बैठक में एक अवर अभियंता के ऊपर कई कई उपकेंद्रों का एक साथ चार्ज होने के कारण जाकर भी बेहतर उपभोक्ता सेवा देने में संभव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में लोगों को आश्वासन किया कि समस्या से विद्युत सिंह प्रबंधन को अवगत कराकर निराश्रित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रबंधन स्तर से और समाधान उपलब्ध नहीं कराया गया। अवर अभियंता पदोन्नत अभियंता का उत्पीड़न किया गया तो संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आवश्यकता पड़े तो आंदोलन भी किया जाएगा। बैठक में नवनियुक्त अवर अभियंता सत्रोहन सिंह, आदर्श कुमार, रितेश कुमार, गोविंद राय, विकास यादव को संगठन केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पटेल ने माला पहनाकर उनको संगठन की सदस्यता दिलाई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे ईबीडी यादव, राजेश कुमार वर्मा, अनूप श्रीवास्तव, विकास यादव, केटी वर्मा, अजीत सिंह, उत्तम चंद साहू, अमोद कुमार, विवेक कुमार, हर्षवर्धन, अमित पटेल, सूरज प्रसाद, देवेंद्र प्रजापति, रामगोपाल, संतोष पाल, आकाश रावत रहे मौजूद। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ईजीवी पटेल ने बताया कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स बैठक गोंडा कार्यालय पर आयोजित की गई, जहां पर मैं आया हूं। यह बैठक विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में जो सरकार का लक्ष्य है, मोटो है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ओटीएस एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है और अन्य योजना चलाई जा रही है। प्रमुख तौर पर जूनियर इंजीनियर्स कार्य किया जा रहा है, उनके साथ क्या दिक्कतें आ रही है उनसे भी चर्चा की जा रही है। प्रदेश भर में ओटीएस में क्या दिक्कत आ रही है, बिजली उपभोक्ताओं को ओटीएस लाभ कैसे मिले, योजना हम लोग बना रहे हैं। जूनियर इंजीनियर अभियंता कार्य करने में क्या परेशानी है, मेन पावर की कमी, सामग्री का अभाव और सुरक्षा व्यवस्था किट की कमी, सब पर चर्चा की जा रही है। हम लोग का पूरा प्रयास है कि पोस्टर के माध्यम से लाइनमैन को भेजकर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत बड़े बकायेदारों को 12 हिस्सों में उसकी सुविधा दी जा रही है। सरकार ने घोषणा की थी कि कृषि के ट्यूबवेल है, इनके बिल आधे कर दिए जाएंगे। राम नारायण जायसवाल, जिला संवाददाता गोंडा। संगठन से क्या बैठक चल रही है बिजली विभाग में, थोड़ा बताएं। मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन उत्तर प्रदेश, और आज ये बैठक विशेष तौर पर ऊर्जा क्षेत्र में जो सरकार का मोटो है, सरकार का लक्ष्य है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जो प्रदेश में ओटीएस चलाई जा रही है और अन्य योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनके क्रियान्वयन करने का कार्य विशेष तौर पर और प्रमुख तौर पर जूनियर इंजीनियर अभियंताओं द्वारा किया जाता है, तो उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं उनमें डिस्कस करने के लिए, उनमें चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ कैसे मैक्सिमम मिले, इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग योजनाएँ बना रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो संबर की और जूनियर इंजीनियर्स की कार्य करने में परेशानियां हैं, सामग्री का अभाव, मैन पावर का अभाव और सुरक्षा व्यवस्था का जो की कमी है, इन कारणों से जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी आज पूरी चर्चा हो रही है, उसकी योजना बन रही है। इसके साथ ही संबर की जो समस्याएं काफ़ी समय से लंबित हैं, जिस पे कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, उस पे भी समग्रता से चर्चा करके और आगे की कार्य योजना बनाने के लिए ये बैठक यहाँ पर आहूत की गई। उससे आपने बताया एक मुश्त समाधान योजना सरकार ने लागू कर दिया, मगर गांव स्तर तक अभी इसकी प्रचार प्रसार नहीं है। फिर कैंप आपका तो लगता जरूर है, मगर वहाँ लाइनमैन जाते तो लोग कहते हैं कि इसमें पैसा है नहीं, ना हमको पहले बताया गया, इस पर क्या आपकी चल? नहीं, देखिए, हम लोग का पूरा प्रयास है, जगह जगह हम लोग अपने लोगों को भेज करके पोस्टर के माध्यम से, जो लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप उपभोक्ताओं के बना रखे हैं उसके माध्यम से जो सरकार की एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस है उसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, शुरुआत में थोड़ी कमी थी लेकिन अब उपभोक्ताओं की संख्या अच्छी खासी आ रही है। कई कई भ्रांतियां हैं पीटीडब्ल्यू कनेक्शन को लेकर के कि वहां माफ हो जाएगा सारा, तो अब क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो कृषि के ट्यूबवेल हैं
उनके बिल आधे कर दिए जाएंगे और उसके अनुक्रम में फरवरी से वो लागू हो गया, उनका बिल लगभग आधा आ रहा है। तो इसलिए जो भ्रांतियां हैं उनको भी हम लोग दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जिनके बकाए ज़्यादा हैं उनको ओटीएस का लाभ लेने के लिए लगातार एक एक अवर अभियंता, उनके जो संविदा कर्मी हैं, TG2 हैं, हमारे अभियंता हैं, सभी उनको प्रेरित कर। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव TV समाचार।